हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजी सिंस लास्ट 13 ईयर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरकोर्स के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं। बहुत सारे कपल्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि हमें किस दिन इंटरकोर्स करना चाहिए ताकि हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकें, और इंटरकोर्स करने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी का पता चल पाता है। ये सारा प्रोसीजर समझने के लिए हमें कुछ पहले बेसिक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि आखिर प्रेगनेंसी होती कैसे है। हमारे एक पुराने वीडियो में हमने पहले बात की थी आपसे कि प्रेगनेंसी होने के लिए सेफ और अनसेफ पीरियड्स कौन से हैं, यानी कि फर्टाइल डेज कौन से हैं जिसमें कि इंटरकोर्स करने से या पार्टनर के साथ रहने से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो शॉर्ट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेफ और अनसेफ पीरियड कौन सा होता है। सेफ पीरियड वो होता है कि जहां प्रेगनेंसी नहीं होती है, अनसेफ पीरियड होता है जहां प्रेगनेंसी हो सकती है। अब प्रेगनेंसी फर्टाइल पीरियड्स के अंदर होती है। फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो पीरियड का लास्ट डे है, यानी कि साइकिल का लास्ट डे, पीरियड का लास्ट डे नहीं, साइकिल का लास्ट डे, यानी कि अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आता है तो आप 1 तारीख से रिवर्स में 14 डेज काउंट करेंगे, तो आपको जो 16 तारीख मिलेगी या 16 तारीख मिलेगी, नेचुरली जनरली उसके आसपास आपका ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होने के 14 दिन के बाद आपका पीरियड आता है। और ओव्यूलेशन होने का मतलब होता है कि अंडेदानी से अंडा फूटा है, रिलीज हुआ है, अंडेदानी से अंडा फूटता है और ट्यूब्स उसको इस तरीके की मूवमेंट करके पकड़ लेती है और ट्यूब के अंदर अंडा आ जाता है। और जब इंटरकोर्स होता है तो वजाइना में इंटरकोर्स होता है, स्पर्म्स चलकर यूट्रस के अंदर पहुँचते हैं और यूट्रस से फिर ट्यूब में पहुँच जाते हैं। ट्यूब में स्पर्म और अंडा, यानी एग और स्पर्म मिलकर एम्ब्रायो बनाते हैं या जायगॉट बनाते हैं। ये जो एम्ब्रायो बना है यही बच्चा होता है जो आगे चलकर वापस अगले 3-4 दिन में नीचे पहुंचता है बच्चेदानी के अंदर, और बच्चेदानी में जाकर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं या भ्रूण प्रत्यारोपण कहते हैं, यानी कि जैसे बीज रोपण कहते हैं। तो बीज रोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो प्रेगनेंसी होती है। और जैसे ही प्रेगनेंसी होती है यानी इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद में बॉडी के अंदर हार्मोन बनने लगते हैं जो कि बीटा एससीजी के नाम से जानते हैं। बीटा एससीजी एक हार्मोन है जो ब्लड में पहले राइज होता है, इसका लेवल बढ़ता है, और जब बहुत ज़्यादा ब्लड का लेवल होता है तो फिर ये यूरिन में भी पॉजिटिव आने लगता है। तो इसलिए जब हम टेस्ट करते हैं, जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है तो यूरिन टेस्ट करते हैं, तो उसमें बीटा एससीजी ही टेस्ट होता है। और वो जब उसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में हमें 2 लाइनें दिखती है तो हम ये कन्फर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है। तो ये जो साइकिल है पूरा होने में अमूमन करीब 14 दिन लग जाते हैं, यानी कि अगर आपने 14वें दिन इंटरकोर्स किया है, वो ही दिन ओव्यूलेशन वाला दिन है, तो उसके अगले 14 दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि आपको प्रेगनेंसी का पता चल पाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी आपकी इंटरकोर्स के 10वें दिन तक हो गई है, लेकिन अपने को पता चलने में अगले 5-6 दिन और लग जाते हैं, इसलिए 14 दिन का क्राइटेरिया लिया जाता है। इंटरकोर्स करने के बाद स्पर्म अंडाणु तक, एग तक पहुंचने में करीब 30 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट भी ले सकते हैं या 1-2 दिन भी ले सकते हैं। बहुत फास्ट स्पर्म्स होते हैं तो बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं। जब स्पर्म से अंडाणु मिलता है और एम्ब्रायो बनता है तो वो वापस से चलकर बच्चेदानी के अंदर पहुंचता है, तो इस प्रोसीजर में करीब 2 या 3 दिन लग जाते हैं। 3रे दिन या 4थे दिन इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में टोटल मिला के 8वां या 9वां दिन होता है जब हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली की प्रेगनेंसी हुई है, और उसके बाद में जाके बीटा एससीजी का लेवल बढ़ने लगता है। बीटा एससीजी का जो सिक्रीशन है, यानी कि जो बनावट है, जो बनता है बीटा एससीजी, शुरुआत में अंडे के ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम होता है, यानी कि सिस्ट होती है जहाँ से कि बीटा एससीजी बनता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और उसके बाद में जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो प्लासेंटा बनता है या आंवल नाल बनती है, फिर आंवल नाल के द्वारा ये हार्मोन सिक्रीट होने लगता है और इसका लेवल काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। तो आपको ये जो कैलकुलेशन बिठानी है कि इंटरकोर्स के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट होंगी, तो मोटे तौर पर आप ये रफली आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ओव्यूलेशन डे के आसपास, यानी 14वें दिन या 12वें दिन के आसपास अगर आपने इंटरकोर्स किया है, तो उसके अगले 10 दिन के बाद आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और अगर आप ब्लड में आप टेस्ट करती हैं तो उसके 4थे 5वें दिन, यानी कि 25वें 26वें दिन अगर आप ब्लड में बीटा एससीजी का टेस्ट करेंगी तो आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। यूरिन में पॉजिटिव आने के लिए और अगले 2 से 3 दिन लगते हैं।
हैं तो इंटरकोर्स के 14वें दिन के बाद आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है अगर आप प्रेगनेंसी हुई है तो। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी तो आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब लेकिन अगर आपका इंटरकोर्स सेफ पीरियड से पहले हुआ है, सेफ पीरियड के अंदर हुआ, यानी कि आपका ओव्यूलेशन डे से 5वें दिन पहले हुआ है, मान लिया 8वें दिन या 9वें दिन, आपका अंडा फूटता 13वें दिन, तो भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। क्योंकि एक बार जब स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट होते हैं तो अगले 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपने 5वें दिन पहले तक इंटरकोर्स किया होगा तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बनती है, लेकिन अंडा फूटने के बाद 24 घंटे ही जिंदा रहता है, जबकि शुक्राणु 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए सेफ जो पीरियड हम मानते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर आपने अर्ली पीरियड में कंसेप्शन यानी कि इंटरकोर्स किया है, यानी कि शुरू के 8वें दिन 6ठे दिन में इंटरकोर्स किया और आपका साइकिल शॉर्ट है और आपको 12वें दिन ही अंडा फूट जाता है तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए आप हमारे पहले वाले वीडियो में डिटेल्स में समझ सकती है कि सेफ और अनसेफ पीरियड कैसा है, कौन सा है, आपको उसे कैसे कैलकुलेट करना है। और उसके बाद में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप ओव्यूलेशन डे के आसपास इंटरकोर्स कीजिए, और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है तो आप सेफ डेज के अंदर इंटरकोर्स कीजिए। मैं समझती हूँ कि वीडियो से आपको जानकारी समझ में आई होगी कि इंटरकोर्स के कितने दिन बाद आप प्रेगनेंट होती हैं। ऑन एन एवरेज आप ये पकड़ लीजिए कि इंटरकोर्स करने के 14वें दिन तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। और आपको जल्दी पता करना है तो आप 10वें दिन या 12वें दिन के आसपास ब्लड टेस्ट में बीटा एसजी करवा सकती हैं, जिससे भी आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।